एक दफ़ा शैतान आया हमारे नबी से मिलने, तो आपने उससे पूछा तेरे दुश्मन कितने। वो मुसलमान जो 24 घंटे बावजू रहता है, 5 नमाजें हैं, 30 रोज़े हैं, ज़कात और हज मालदारों पर है, नमाज हमारी बेस है, नमाज के बगैर मुआशरे की बुनियाद नहीं बन सकती, किसी हाल में भी नमाज माफ नहीं हो सकती। 14-15 सदी में अगर नमाज की गुंजाइश मुझे नजर आती है तो करबला के मैदान में हुसैनी काफिले की नजर आती। ना पढ़ो, तलवारें बरस रही हैं, चंद घड़ियां बाकी हैं गर्दनों के कट जाने में, अब नमाज पढ़ो या ना पढ़ो गर्दन कटने वाली है। इसके बावजूद इमाम आली मकाम ने जुहैर आपके राइट साइड पर झंडे बरदार थे उनको इशारा किया, कहिए शिमर से कहो नमाज पढ़ने। तो उन्होंने आगे बढ़ के कहा नमाज पढ़ने दो, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। वो कहने लगा हमारी तलवार नहीं रुकेगी। उन्होंने आकर कहा ये जवाब है, इमाम आली मकाम ने फरमाया फिर नमाज भी नहीं छूटेगी। जी मीटिंग थी, नमाज याद नहीं रही, मीटिंग बड़ी लंबी हो गई, नमाज छूट गई, सारे दरवाजे बंद कर दिए। हालांकि अल्लाह की कसम अगर ये काफिला नमाज ना भी पढ़ता तो इनके लिए जन्नत के दरवाजे खुल चुके थे, क्योंकि जंग से पहले आंख लगी, आंख खुली तो मुस्कुराए। तो बहन ने पूछा ये कोई हंसने का वक्त है, मौत सर पे खड़ी, कहने लगे यही तो हंसने का वक्त है, ख्वाब में अल्लाह के नबी आए हैं, कह रहे बेटा मैं लेने के लिए आ चुका हूँ, फिर नमाज नहीं छोड़ी। तो PIA वाला कह सकता है कि जो मैं जहाज उड़ा रहा था नमाज छोड़ गई। अरे भाई पूछो उलमा से सफर में कैसे पढ़नी है, आसानी कर दी, छोटी कर दी, माफी नहीं है। अगर माफी होती तो उस हुसैनी काफिले को होती। आधे नमाज पढ़ो आधे जंग करो। अब तो 1440 हिजरी हो चुकी है, 1440 साल में सबसे खूबसूरत नमाज जो पढ़ी गई करबला के मैदान में पढ़ी गई, सबसे खूबसूरत सजदा जो किया गया करबला के मैदान में किया गया। और जमीन ने भी क्या फख्र किया होगा करबला की जमीन ने कि आज कौन है जिनके माथे मेरे ऊपर टिक कर यूं लग रहे हैं जैसे टीका मेरे माथे पे आ गया। जब सुबहान रब्बे अलाला की सदा गूंजी होगी तो जमीन की सातवीं तह भी ठंडी हो गई होगी। तो मेरे नबी का नवासा हमारे लिए दरवाजे बंद करके जा रहा है, किसी हाल में नहीं छोड़ सकते नमाज, सिवाय इसके कि बेहोश हो जाओ चलो ठीक है, इसके अलावा नहीं छोड़ सकते। लेटे लेटे पढ़ो, नहीं उठ सकते लेटे पढ़ो, आंखों के इशारे से पढ़ो, छोड़ नहीं सकते हो। आधों ने नमाज पढ़ी, आधों ने जंग की, फिर आधों ने नमाज पढ़ी और सब ने जंग की, और असर में सब सर नेजे पे चढ़ चुके थे। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। हमारे दफ्तरों में, बाजारों में, घरों में नमाज जिंदा हो जाए। रोजा तो साल के बाद आएगा, बीमार है तो छुट्टी, मुसाफिर है तो छुट्टी बाद में रख लेना। ज़कात पैसे वाले पर है, हज पैसे वाले पर है, एक नमाज ऐसा फरीजा है जिसके लिए मेरे रब ने 700 दफ़ा कुरान को हिला दिया है, नमाज नमाज, कभी लफ्ज़ सलात के साथ, कभी और अल्फाज के साथ 700। एक ऑर्डर आ जाए मलिक साहब का तो आप हिल जाओगे, ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आ गया। मेरा रब 700 दफ़ा कहे और तुम्हारी मस्जिद खाली हो, कि हमें अपने अल्लाह और उसके रसूल की अजमत और हैबत का पता नहीं है। नमाज के बाद जिंदगी अगर सारी नमाज बनाना चाहते हैं, नमाजें कितनी हैं भाई बोलो, 6 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं, नहीं हो सकती। अगर सारी जिंदगी नमाज बनाना चाहते हो कि मेरी पूरी जिंदगी नमाज बन जाए, चाहे मैं ऑफिस में हूं
चाहे मैं जोड़िया बाजार में हूं, चाहे मैं जहाज उड़ा रहा हूं, चाहे खोता रेड़ी। एक हदीस सुनाता हूं, सिर्फ एक हदीस। इस एक हदीस पे अमल हो जाए तो सारी जिंदगी इबादत बन जाएगी, सारी जिंदगी बंदगी बन जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया अरबान इजा कानत फीक, का मेरी उम्मत चार बातें ले लो। मैं कुर्बान जाऊं, मेरे नबी बड़े बड़े वजीफे नहीं बताते थे, अपनी उम्मत को मशक्कत में डालने से बचते थे, छोटे छोटे वजीफे बताते। एक साहबी आए, या रसूल अल्लाह तंगी है रिज्क की, कोई वजीफा बताएं। कितने लंबे लंबे वजीफे लोग पढ़ रहे हैं कि कारोबार खुल जाए और रोजी बढ़ जाए, कितने लंबे चौड़े, कितने किताबों में एडे एडे वड्डे वजीफे लिखे पे, पढ़ पढ़ों जी मंदा बुढ़ा हो जाए। मैं कुर्बान जाऊं या रसूल अल्लाह आपकी शफकतों पर, आपकी रहमतों पर, सुनो ये करो, मेरी बात नहीं है, मेरे नबी की बात है। तजर्बे की वजह से करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, यकीन से करोगे तो दरवाजे खुलते देखो। कह या रसूल अल्लाह उरीद अन युवस्सा अलैया रिज़्की, मैं चाहता हूँ मेरी रोज़ी खुल जाए। तो आपने कहा अदिम अला तहारा युवस्सा अलैका रिज़्को, तू बावुज़ू रहा कर तेरा रिज़्क खुल जाए। कोई जोर लगता है वुज़ू? तुम्हारे यहाँ तो सर्दी होती ही कोई नहीं कि भाई ठंडा पानी है कैसे वुज़ू। ये तो हमारे लिए मसला है कि भाई ठंडा पानी है कैसे वुज़ू करो। वो हमारे गांव का मरासी मुझे मिल गया, मैंने कहा चल नमाज पढ़ेगी, नहीं जी मियाँ जी सर्दी बड़ी ना ले जाऊँ, सर्दी बड़ी मरासियों को सर्दी ज़्यादा लगती है। मैंने कहा नहीं आज तक नमाज पढ़ा के चढ़ना है। मैं उसको ले कर जब वो टूटी पर बैठा ना, जू ही हाथ पे पाए, ओए हाले ओ ठंडा पानी, ओए हाले ओ ठंडा पानी। तुम्हारे लिए तो ये मसला भी नहीं कि ठंडा पानी। मेरे नबी की ये सारा मजमा ले लो, ये ऊपर मस्तूरात ले लें, अदिम अला तहारा युवस्सा अलैका रिज़्क। मेरे नबी ने फरमाया बावजू रहना शुरू कर दे, अल्लाह तेरा रिज़्क खोल देगा। अभी अल्लाह रसूल की आपस की बात है तो मेरी बात होती तो दीवार पे मार दो, तजर्बा करो। नबी की बात को तजर्बा करके नहीं करते, यकीन के साथ करते हैं। अदम अला तहारा युवस्सा अलैका रिज़्क, बावुज़ू रहा कर। अच्छा, बावुज़ू रहने के और फायदे। अल्लाह प्यार करता है, शैतान डरता है, और वजू होगा तो नमाज आप ही पढ़ी जाएगी। चलो यार वजू है, चार फर्जी पढ़ लोगी। एक दफ़ा शैतान आया हमारे नबी से मिलने, तो आपने उससे पूछा तेरे दुश्मन कितने? कहने लगा 15। आपने फरमाया कौन कौन है? कहने लगा पहले तो थोड़ा ही नंबर है, पहला नंबर तो थोड़े नाल मेरा लगो है। फिर कहने लगा वो मुसलमान जो 24 घंटे बावजू रहता है वो मेरा बड़ा दुश्मन है। जो बावजू रहता है और बावजू सोता है, एक फरिश्ता उसके लिए बंदगी का सवाब लिखता रहता है।